हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका एमजी पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्वागत है। आज मैं यूनिट फर्स्ट का लेक्चर 9 शुरू कर रहा हूँ। इसमें इससे पहले मैंने आपको सरल आवर्त गति पार्ट शुरू किया है, जो यूनिट फर्स्ट में ही है। तो यूनिट फर्स्ट में आज आपको मैं नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ, सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण निकालना। बच्चों, आज मैं शुरू करूंगा सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण निकालना। विस्थापन समीकरण में सबसे पहले एक वृत्त है, वृत्त में कोई कण P है। P यहाँ पे कण P है। जब कण P यस से चलना प्रारंभ करता है और थीटा पर घूमता है, तो थीटा बराबर हो जाता है ओमेगा T। तो कण तो सरल आवर्त गति का विस्थापन निकालना है। तो कण का विस्थापन हो जाता है थीटा बराबर ओमेगा टी। यदि कण का कोणीय वेग ओमेगा हो, यदि कण का कोणीय वेग ओमेगा हो, तो हम जानते हैं थीटा बराबर होता है ओमेगा टी। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा थीटा अपॉन टी। तो यहाँ पे कोणीय वेग ओमेगा है, तो हम जानते हैं थीटा बराबर ओमेगा टी। ओमेगा बराबर हो जाएगा थीटा अपॉन टी। यदि टी समय में विस्थापन वाई, यानी टी समय में विस्थापन समान वाई, यदि टी समय में विस्थापन वाई, समय में विस्थापन y हो, साइन थीटा बराबर os, यहां os अपान op। ये हाई स्कूल में पढ़े होंगे बच्चे, आपको साइन थीटा cos थीटा निकालना आता था ट्रिग्नोमेट्री। तो हमको वैल्यू निकालनी है वो os, os बराबर y है। os इक्वल टू op साइन थीटा। तो OS इक्वल टू हमने यहाँ पे माना है y, स्मॉल y, स्मॉल y इक्वल टू OP। यहाँ से यहाँ तक स्मॉल a है, तो ये भी बात जो होगा वो भी a होगा, a sin थीटा। तो जो समीकरण बन गया y बराबर a sin थीटा, ये विस्थापन का समीकरण बन गया। और यदि हमने थीटा बराबर ओमेगा टी माना है, तो ये हम समीकरण एक में इसको समीकरण एक रख लेते हैं, तो समीकरण एक में रख सकते हैं। तो y बराबर हो जाएगा a sin ओमेगा t, यानी सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण y बराबर a sin ओमेगा t होगा। हेलो स्टूडेंट, हाँ, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि सरल आवर्त गति में वेग निकालना है, यानी सरल आवर्त गति का वेग। इससे पहले मैंने विस्थापन निकाला, तो सरल आवर्त गति में विस्थापन क्या होता है, अब मैं आपको बताऊंगा सरल आवर्त गति में वेग। तो मान लीजिए कोई कण है, तो कण यहाँ पे यदि इस वृत्त की परिधि पर घूम रहा है, यानी यहाँ पी एक कण है, तो x पॉइंट से चल के पी पर आता है, तो एंगल जो उसका होगा पी ओ एक्स वो थीटा होगा। तो वृत्त की परिधि पर गति करते पिंड के टी समय पर वेग भी को दो घटकों में विभाजित कर दिया जाता है, यानी यहाँ पर पी को दो घटकों में विभाजित करते हैं, एक बन जाता है ऊपर वी कॉस थीटा, एक नीचे बनता है वी साइन थीटा। दो घटकों में जब विभाजित करते हैं तो ये एक्सिस देखते हैं, एक्सिस है ये एक्स, तो एक्स एक्सिस पर
तो बी एक्स बन रहा है बी साइन थीटा, और वाई एक्सिस पर तो बी वाई बन रहा है बी कॉस थीटा, परंतु बी कॉस थीटा कण पी के लंबपात यन की गति के दिशा ओ वाई, यानी ये ओ है और ये वाई है, यहाँ पे दिया है ये ओ वाई के समांतर है, यानी ये समांतर है ओ वाई के समांतर है, अतः पात यन का वेग जो होगा वो u बराबर v cos थीटा, और v बराबर हम जानते हैं कि v बराबर a ओमेगा होता है और थीटा बराबर ओमेगा t होता है, यानी इक्वेशन वन जो बना है u बराबर v cos थीटा, इसमें हम v और थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो इक्वेशन हो जाएगा बच्चों u बराबर v cos थीटा समीकरण एक में भी व थीटा का मान रखने पर, तो u बराबर हो जाएगा v cos थीटा, v की वैल्यू मैंने यहां निकाला a ओमेगा, तो u बराबर a ओमेगा cos थीटा, और थीटा की वैल्यू मैंने यहां निकाला है ओमेगा t, तो यहां डायरेक्ट आपको कह दीजिए ओमेगा t। ओके बच्चे, फिर या u बराबर a ओमेगा अंडर वन माइनस साइन का स्क्वायर ओमेगा t, बच्चों ये भी सकते हैं साइन का स्क्वायर ओमेगा t, जहां साइन का स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस का स्क्वायर ओमेगा टी बराबर वन होता है, तो मैंने यहाँ पे कॉस ओमेगा टी की वैल्यू से निकाल ली, तो कॉस ओमेगा टी की जब वैल्यू निकालेंगे तो वन माइनस साइन ओमेगा टी अंडर, तो साइन का स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया है ये साइन का स्क्वायर ओमेगा टी। अब हम जानते हैं साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी निकाले तो साइन ओमेगा टी बराबर वाई अपान ए दिया है, वाई अपान साइन ओमेगा टी की इक्वेशन पे रख दीजिए, साइन ओमेगा टी का मान समीकरण एक पर रखने पर, एक पर जब रखेंगे तो यू बराबर ए ओमेगा अंडर रूट वन माइनस वाई अपान ए का होल स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यू बराबर ए ओमेगा अंडर रूट वन अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अपान ए का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट जब हटेगा तो ए समाप्त हो जाएगा, तो यू बराबर ओमेगा अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ये हो गया वेग, यानी सरल आवर्त गति में वेग यू बराबर ओमेगा अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर होता है। ओके स्टूडेंट।